अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में। आज हम यहाँ पे नए प्रोजेक्ट को विज़िट करने आए हैं जिसका कि नाम है ऋषिता मलबरी हाइट्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी लोकेशन की, तो उसकी लोकेशन क्या है वो आपका पड़ता है सुशांत गोल्ड सिटी में, ग्रुप हाउसिंग 1 सेक्टर सी पॉकेट 6 में आता है। अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो अंसल आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मिड में है। यहाँ से आपको चारों तरफ से कनेक्टिविटी मिल जाती है। आपको मैं अगर दिखाऊँ उस तरफ, आप मेरे सामने देख रहे हैं ये अंसल की रोड है, इसके इस तरफ आप देख रहे हैं वो शहीद पथ है। तो सबसे पहले आपको शहीद पथ की कनेक्टिविटी मिलती है। शहीद पथ आपका अंसल के पास से डाउन होता है, अंसल से थोड़ी दूर पे ही किसान पथ है और आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। और शहीद पथ आपका स्टार्ट होता है फैज़ाबाद रोड से, कानपुर रोड तक ये जाता है। आपको वाया शहीद पथ आप फैज़ाबाद रोड जा सकते हैं, वाया शहीद पथ आप कानपुर रोड रायबली रोड भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट को वाया शहीद पथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो इस रोड से आप जाते हुए अर्जुनगंज चौराहे जा सकते हैं, अर्जुनगंज चौराहे से आप सुल्तानपुर रोड कैंट चारबाग रेलवे स्टेशन हजरतगंज जा सकते हैं, और अर्जुनगंज चौराहे से ही आप गोमती नगर एक्सटेंशन को भी जा सकते हैं सेक्टर 7 की तरफ। और अर्जुनगंज चौराहे से आपका शहीद पथ का सर्विस लेन है, वहाँ से आप शहीद पथ को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी रास्ते से होते हुए अभी हम जाएंगे दोस्तों प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट आपका हार्डली यहाँ से 5 मिनट पर है। अभी मैं खड़ा हूँ ऋषिता मलबरी हाइट्स के मेन एंट्रेंस गेट पर, मेन एंट्री एग्जिट गेट है आपका। ये 45 मीटर के रोड पे मैं खड़ा हूँ, जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ, ये आपका 45 मीटर रोड है, ये आपका 45 मीटर का डिवाइडर रोड है, आने जाने दोनों के लिए है। इधर आप देख रहे हैं ये मेन एंट्रेंस है ऋषिता मलबरी हाइट्स का। ये 45 मीटर रोड पे दो एंट्री एग्जिट दे रहे हैं, इनमें से ये मेन है। आप इधर देखें, वो जो आप टावर देख रहे हैं वो ईवन टावर है, 2 and 3 BHK मिक्स टावर है वो। आज हम उसी का विजिट करेंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं, एक्चुअल फ्लैट वहाँ चल के देखेंगे। चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। ऋषिता मलबरी हाइट्स 21.45 acres, लगभग 22 एकड़ के इंटीग्रेटेड टाउनशिप है पूरी आपकी ये, जो कि आपकी LDA अप्रूव्ड है, साथ में SBI के सचिन लीडिंग और मेजर बैंक्स उनसे अप्रूव है और एरा रजिस्टर्ड है। लगभग 16 टावर्स हैं इसमें, 2, 3 and 4 BHK के प्रीमियम लग्जेरियस अपार्टमेंट हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये टावर E1 है, E2, E3 45 मीटर चौड़ी रोड है, यहाँ पे दो एंट्री एग्जिट हैं। ये मेन एंट्रेंस एग्जिट है और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है। ये 24 मीटर चौड़ी रोड है, ये आपकी 30 मीटर चौड़ी रोड है, इस पर भी आपका एंट्री एग्जिट है। ये जो सामने आप देख रहे हैं क्लब, 60,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ क्लब है, बन रहा है, और 12,000 स्क्वायर फीट में आपका स्विमिंग पूल है, इंडोर मूवी थिएटर है। अगर हम एमिनिटीज की कुछ बात करें, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिम, इंडोर थिएटर, डबल हाइट इंटेंस लॉबी, पूल एंड बिलियार्ड्स, एरोबिक योगा सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल, स्पा एंड सैलून, बार, इंडोर गेम्स, इसके अलावा कई सारे क्लास एमिनिटीज। 8.5 acres के ओपन स्पेस में 60,000 स्क्वायर फीट का काफ़ी बड़ा स्पेशियस क्लब मिल रहा है और 12,000 स्क्वायर फीट का काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल मिल रहा है। इसमें आपको मूवी देखने को मिल जाएगा, इसमें एक साथ आप टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल के लिए फील्ड तैयार कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ये आपकी 24 मीटर की रोड है और इस तरफ अगर आप देखें तो ये आपकी 30 मीटर की रोड है। चलिए,
ये मलबरी हाइट्स का आपका सेकंड एंट्रेंस है जो कि 30 मीटर रोड पर है, आप देख सकते हैं इधर। डिवाइडर रोड है ये सेकंड एंट्रेंस 30 मीटर रोड पर। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये ईवन टावर है, ग्राउंड प्लस 14 इसकी हाइट है, 14 पे इसका स्लैब हो चुका है, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है, फुल स्विंग पर है। इस तरह अगर आप देखें तो बाकी टावर से भी काम चल रहे हैं, D1, C1, C2। अगर हम बात करें तो इसके कंस्ट्रक्शन पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, MyOne कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। इस टेक्नोलॉजी से जो होता है कि बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सीलन भी इसमें कभी नहीं आती है। आइए चलते हैं एक्चुअल यूनिट देखते हैं अंदर चलकर। अभी हम खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ये आपका लॉबी एरिया है। सामने की तरफ आपके 3 BHK हैं, 2 3 BHK इस तरफ, इधर 2 BHK हैं, सामने आपके 3 BHK हैं और इस तरफ आपके 2 BHK। स्टेयर केस की बात करें तो 2 स्टेयर केस हैं, आपका एक इस तरफ है, दूसरा स्टेयर केस आपका इस तरफ है। ये आपका इमरजेंसी लिफ्ट, 2 स्टेयर केस हैं, 3 लिफ्ट हैं, पहला लिफ्ट आपका ये होंगे इमरजेंसी। आइए चलते हैं 3 BHK की एक्चुअल यूनिट को देखते हैं। ये आपका पैसेज वे, काफ़ी अच्छा वाइड पैसेज वे है। ये आपके 2 लिफ्ट हैं, काफ़ी वाइडर लिफ्ट हैं। जो 3 BHK का साइज है 1886 स्क्वायर फीट में है। यह आपका किचन 8x10 का किचन है आपका, ये दोनों तरफ आपको ग्रेनाइट का स्लैब मिलेगा, दोनों तरफ आपको ग्रेनाइट का स्लैब मिलेगा। ये यूटिलिटी एरिया है आपका, एंटीस्टेयर टाइल्स लगी हुई है। ये ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस है, ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड आपकी बालकनी है, काफी अच्छा डेलाइट आ रहा है इस वक्त अभी। आगे चलते हैं पहले बेडरूम की तरफ। ये कॉमन वॉशरूम है आपका 8x5 साइज का। यह आपका फर्स्ट बेडरूम है 11x12, वार्डरोब स्पेस सिलेक्शन दिया गया है। ये 5 फीट चौड़ी बालकनी है आपकी, जो पहले रूम और सेकंड बेडरूम से आपकी कनेक्टेड है। विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग है। ये सेकेंड बेडरूम, ये सेम साइज 11x12, वार्डरोब स्पेस दिया हुआ है विद अटैच वॉशरूम।
वॉशरूम का साइज काफी अच्छा है। ये आपकी वही बालकनी है जो आपके पहले रूम से कनेक्टेड थी। ये आपका मास्टर बेडरूम। पंद्रह बाय ग्यारह के साइज में है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच बालकनी जो आपकी ग्रीन फेसिंग करती है, सेंटर पार्क की तरफ फेस करती है। अटैच ड्रेसिंग एरिया, अटैच वॉशरूम, मैं आपको एक क्विक रिप्ले करके दिखाता हूँ। ये आपका मास्टर बेडरूम विद बालकनी, अटैच बालकनी एंड आप देखें तो अटैच वॉशरूम एंड ड्रेसिंग एरिया। 15x11 में आपका ये मास्टर बेडरूम है। ये आपका सेकेंड रूम विद अटैच वॉशरूम। इधर आपका कॉमन वॉशरूम। ये आपका पहला बेडरूम। ये आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया विद अटैच बालकनी। ये आपका किचन। हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। ये पैसेज वे है आपका काफी स्पेशियस पैसेज वे। आइए चलते हैं 2 BHK की तरफ। ये 2 BHK का पैसेज वे है, काफी अच्छा पैसेज वे है। यहाँ पे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। और इस तरह अगर आप देखते हैं तो ये पहला 2 BHK है और ये दूसरा 2 BHK है। आइए चलते हैं। ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस है, ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर यह आपकी ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड बालकनी है। बिल्कुल हाई टाइप की फ्लोरिंग है यहाँ पर। किचन एरिया, किचन के दोनों तरफ आपको ग्रेनाइट स्लैब मिलेगा। एंटीस के टाइल्स हैं किचन में। अटैच यूटिलिटी एरिया, ये कॉमन वॉशरूम, ये पहला बेडरूम है विद अटैच। ये पहला बेडरूम है
वार्डरोब स्पेस सर कितने में दिया गया है? 11 by 11.6 साइज है इसका। ये आपकी बालकनी जो आपकी पहले बेडरूम से और मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड है। ये चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आपका मास्टर बेडरूम 11 by 15 वार्डरोब स्पेस यहाँ दिया हुआ है। काफी अच्छा स्पेशियस वार्डरोब स्पेस है। ये आपकी बालकनी, ये वही बालकनी है जो आपके पहले बेडरूम से अटैच थी। ये कॉमन वॉशरूम, मैं आपको एक बार कोई रिप्ले करके दिखाता हूँ। ये आपका मास्टर बेडरूम, पहला बेडरूम कॉमन बाथरूम, ये आपका कॉमन वॉशरूम, किचन, ड्राइंग डाइनिंग से कनेक्टेड आपकी बालकनी, हम आ चुके हैं बाहर। और ये आपका पैसेज है, अगर हम बात करें कि इस लोकेशन के 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल्स की। तो जीटी गोइंका, स्वीडन कैप्सलॉन, सेंट जोसेफ, सेंट फ्रांसिस, सीएनएस, डीपीएस, एलपीसी, जयपुरिया और आर्मी पब्लिक स्कूल, ये कुछ स्कूल हैं जो आपके 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं। और हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो मेदांता है आपका, एनएच आरोग्यम, काशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट, कैंसर हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, कमांड ECHS, ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो आपके 4 से 5 मिनट के रेडियस में आते हैं। इसी के अलावा हम बात करें, इसी के साथ ही अगर हम बात करें मार्केट की, तो लुलु मॉल आप देख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फिनिक्स पैलेसियो आपका, लुलु मॉल आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में है, फिनिक्स पैलेसियो आपका फंक्शनल हो चुका है। आप जो सामने देख रहे हैं क्रिसेंट मॉल है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में है, द पैलेस है आपका, पैलेक्स है, टाइटेनियम है, मिलेनियम है, नया हरिद्वीन भी आपका प्रपोज है यहाँ पर गोमती नगर एक्सटेंशन में। और बेस्ट प्राइस आपका वॉलमार्ट के नाम से हम जानते हैं, भी आपका फंक्शनल है, टिकाना क्रिकेट टिकाना आपका फंक्शनल है। और इस लोकेशन के में हम बात जॉब्स की करें, तो आपका टिकाना क्रिकेट स्टेडियम है, 869 एकड़ में आपका SLITCity है, 100 एकड़ में आपका कैंसर हॉस्पिटल है, पुलिस हेडक्वार्टर है, नाइए का ऑफिस है, क्लिनिक्स हैं आपका, वॉलमार्ट है, मेदांता है, लुलू मॉल है। तो यहाँ जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस लोकेशन पे रेंटल एंड रीसेल वैल्यू हमेशा हाई रहेगी। अगर हम बात करें प्राइस रेंज की, तो यहाँ पे 58 लाख में आपका 2 BHK स्टार्ट होता है, 83 लाख में आपका 3 BHK स्टार्ट होता है। अगर आपका बजट अलाउ कर सकते तो एक बार आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट को विजिट कर सकते हैं, और बेशक आप एक बार विजिट तो करनी चाहिए, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।